बीसीए के कोर्सेज के बारे में और बीसीए के कॉलेजेस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा बीसीए बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उनका प्लेसमेंट नहीं होता, उनका जॉब नहीं लगता। इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 5 कॉलेजेस के नाम जहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं ना तो आपका डेफिनेटली जॉब लगने वाला है 100%। मतलब वहाँ का जॉब रेट, जॉब परसेंटेज जो है, प्लेसमेंट रेट बहुत हाई है और काफ़ी अच्छा पैकेज लगता है। और उन कॉलेजेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ बताऊंगा मेरे कॉलेज में कितने लोगों का पैकेज लगा, क्या लगा क्या नहीं। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है लेकिन फिर भी कुछ आपको एडवांटेज चीज़ें बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहेगा। चलिए पहले बात करते हैं 5 ऐसे कॉलेजेस के बारे में जो कि बीसीए में अगर आप एडमिशन लेते हैं उसके अंदर ना डेफिनेटली मतलब आपका 90% 95% चांस रहता है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है। अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं ना बीसीए के अंदर, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं लेकिन अगर बीसीए के अंदर एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी बेस्ट माना जाता है और वहाँ पर बीसीए काफ़ी अच्छे तरीके से कराया जाता है। और वहाँ पर जो कंपनीज आती है ना, काफ़ी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं और वहाँ से जो एवरेज पैकेज लगता है 4 से 5 लाख का बीसीए वालों का एवरेज पैकेज लगता है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें ना 14 से 15 लाख रुपए हाईएस्ट पैकेज वहां का है, लेकिन एवरेज पैकेज आप देख सकते हैं 4 लाख 5 लाख इस तरह से लग जाता है और भी मैक्सिमम स्टूडेंट का प्लेसमेंट वहां से हो जाता है। इसके फीस के बारे में बात करें तो इसका फीस है लगभग 1.5 लाख के आसपास, साल का आपका लगेगा 1.5 लाख रुपये, ठीक है। तो फीस थोड़ा हाई है लेकिन आगे मैं जो कुछ कॉलेज के नाम बताने वाला हूँ उन कॉलेज का फीस थोड़ा लो रहेगा, तो उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। लेकिन ये नंबर 1 पे आ रहा था जो कि बीसीए काफ़ी अच्छे तरीके से करा। दूसरे नंबर में आपको बताता हूँ जिसका नाम है एसआरएम। एसआरएम का बहुत सारे ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन के अंदर इसका जो ब्रांच है ना काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और बीसीए काफ़ी अच्छे तरीके से कराता है। वहाँ पर से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर भी आपका प्लेसमेंट का काफ़ी हाई चांसेस रहता है और जो आपका पैकेज रहेगा ना वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। 4 से 5 लाख इस तरह का वहाँ का भी पैकेज है एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट 10 से 12 लाख रुपये पैकेज वहाँ पर मिल जाता है आपको। तो अगर वहाँ पर भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट का हाई चांसेस रहेगा बीसीए के अंदर, ठीक है। क्योंकि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कोर्सेज के लिए, क्योंकि अगर हम लो कॉलेज से, टियर 3 कॉलेज से अगर बीसीए वगैरह कोई भी कोर्स करते हैं ना तो जॉब लगने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऑफ कैंपस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ नहीं रही हैं। तो ऑन कैंपस बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ऑन कैंपस आपका प्लेसमेंट हो जाता है ना तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपका कोर्स खत्म होगा तुरंत आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसका फीस साल का आपका लगने वाला है 1 लाख रुपये, जिस जो कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से थोड़ा कम है, तो आप चाहें तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो तीसरे नंबर पर कॉलेज बताने वाला हूँ ना यूनिवर्सिटी, वो काफ़ी मज़ेदार यूनिवर्सिटी है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि अहमदाबाद में पड़ता है। ये काफ़ी मज़ेदार है और इसका फीस आप जान करके ना चौंक जाएंगे, मतलब 20,000 रुपये साल का आपका लगने वाला है और इसका प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा है और आप इसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको इसका एक एंट्रेंस एग्जाम आता है वो देना होगा, अगर उसको निकाल लेते हैं तो इसमें एडमिशन हो जाएगा और काफ़ी अच्छे लेवल पर कराती है और पैसा भी काफ़ी कम लग रहा है, ठीक है। 3 कॉलेजेस मैंने बता दिए, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पर बीसीए के अंदर काम कर रही हैं। बाकी मैं 2 और बता देता हूँ जो कि दिल्ली के अंदर है, कि जामिया इस्लामिया के नाम से आता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसमें भी आप एडमिशन लेते हैं तो उसका भी प्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा है, उसमें भी पढ़ाई वगैरह काफ़ी अच्छी होती है और फी जो आपका है बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन उसमें भी इनका एक पर्सनल एग्ज़ाम होता है। अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं ना तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा और वहाँ से भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे लेवल पर होता है। एक जामिया हमदर्द है, एक जामिया इस्लामिया, ठीक, इन दोनों में भी कर सकते हैं। बाकी 3 जो मैंने पहले बताया ये भी काफ़ी अच्छे लेवल पर काम करती हैं, तो इसके अंदर आप बीसीए कर सकते हैं, काफ़ी मज़ेदार यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर आप यहाँ से बीसीए करते हैं ना तो आपका जॉब लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अदरवाइज़ आप टियर 3 कॉलेज करेंगे तो मतलब आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा और बाकी अपने स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता अगर आप अपने खुद से स्किल पर फोकस नहीं करेंगे और खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो ये होता है। कॉलेज मैंने 4-5 कॉलेज आपको बता दिया जो कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई कोई कॉलेज बताओ जहाँ पर एडमिशन ले जहाँ पर मतलब प्लेसमेंट हो जाए। तो ये कुछ कॉलेजेस थे जो कि मैंने मतलब रिसर्च करके आपको बताया हुआ है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और आप अगर एडमिशन अभी तक नहीं लिया है या फिर लेने का सोच रहे हैं तो इसमें ले सकते हैं। भाई सब मैंने आपको 5 यूनिवर्सिटीज़ बता दिया जिसमें आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार यूनिवर्सिटी था, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है जो कि मैंने रिसर्च करके आप लोगों के लिए रखा हुआ था। ऐसे मैं बाहर घूमने के लिए आया था तो वहाँ पर सोचा आप लोगों को बता दूँ। और बाकी घर पर बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्मी चल रही है, आपको भी पता होगा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ़ैन चालू करने पर भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, फ़ैन चालू करने पर क्या होता है नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो मैं बाहर में आउटडोर में वीडियो शूट कर रहा था, आजकल ऐसे ही शूट कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, नॉइस वगैरह ज़्यादा आ रहा हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा भाई। बाकी आगे बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियोस आने वाली हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।